यह कहानी एक छोटे से गांव हरियापुर की बात है। उस गांव में एक किशन नामक व्यक्ति रहता था। किशन के दो बच्चे थे, बड़े बेटे का नाम विजय और दूसरी बेटी का नाम रीमा था। उन दोनों की मां पहले ही गुजर चुकी थी। एक बार की बात है, जब किशन अपने विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा था तब पिताजी, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, मन लगाकर पढ़ना। फिर वहाँ से विजय अपने विद्यालय पढ़ने के लिए चल जाता है। उसी देखकर उसकी बहन अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी आप भैया को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सके। मुझे क्यों नहीं स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हो? तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर तुम्हें चूल्हा चौका ही तो करना है। यह अपने पिता की बात सुनकर रीमा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। एक बार की बात है, जब विजय अपने विद्यालय से पढ़कर स्कूल आ रहा था तब मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है, मेरे यहाँ सर में दर्द हो रहा है। विजय को चक्कर आने की वजह से वह स्कूल में ही गिर गया और उसके सिर पर बहुत ही गहरी चोट आई। तभी उसके सभी शिक्षक अध्यापकों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और यह बात सुनकर उसके पिताजी अस्पताल तुरंत दौड़कर पहुंचे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? गिरने की वजह से आपके बेटे के सर के बहुत ही गहरी चोट आई है, तुरंत ही ही ऑपरेशन कराना जरूरी है क्योंकि बहुत ही खून बह चुका है। 2,00,000 रुपया तुरंत जमा करवाएं, तभी आपके बेटे का ऑपरेशन होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बेटे का ऑपरेशन चालू कीजिए, मैं पैसा ला कर दे रहा हूँ। पैसे के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ़ कीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए और उसके बाद किशन सोच में पड़ गया कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर 2,00,000 रुपए ले आऊँ। तभी वह दौड़ता दौड़ता ज़मींदार के घर गया पैसे लेने के लिए। अरे ज़मींदार जी, मुझे पैसे की ज़रूरत, मेरे बेटे के सिर फट जाने के कारण मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपको मैं अपना खेत दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा दीजिए। मैं तो अपने पैसे दे दूँगा, लेकिन तुम्हारा ज़मीन का कागजात कहाँ है? वो ज़मीन का कागजात तो अभी घर पे है, इसलिए मैं आपके यहाँ डायरेक्ट अस्पताल से आया हूँ। पैसा दे दीजिए आप, हम घर से लाकर दे देंगे। ठीक है किशन, मैं अभी तुरंत पैसा लेकर आता हूँ। जी ज़मींदार साहब, जल्दी थोड़ा लाइए। उसके बाद ज़मींदार पैसों लाने के लिए अपने कमरे में गया। उसके बाद ज़मींदार तुरंत आकर पैसे लेकर किशन को लाकर दिया। लो किशन पैसे, मैं कल दूसरे गांव जा रहा हूँ, तीसरे दिन आकर मैं तुम्हें ज़मीन का कागजात ले लूँगा। फिर जाते जाते ज़मींदार साहब ने कहा। फिर वहाँ से किशन तुरंत ही अस्पताल पहुँचा और पैसे जमा करवाए। लीजिए डॉक्टर साहब पैसे। पैसे जमा करवाने के बाद विजय का ऑपरेशन चालू हुआ। कुछ देर के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर बोले, मैं अपने बेटे को अब घर ले जा सकते हैं? अभी उसे आराम की ज़रूरत है, अभी 3 दिन अस्पताल में रहने दीजिए। फिर इतना ही डॉक्टर के कहते ही किशन वहाँ से चुपचाप चला आया घर। फिर तीसरे दिन ज़मींदार जब कागजात लेने पहुँचा तब किशन, किशन कहाँ हो? जी ज़मींदार साहब बोलिए, क्या कहना? मैं ज़मीन का कागजात लेने आया हूँ। आइए ज़मींदार साहब, पहले मेरे घर पे तो बैठिए। चलो चलो। किशन ज़मींदार साहब को घर में बैठा कर ज़मीन के कागजात लाने चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद किशन अपने ज़मीन के कागजात लेकर आता है और उसके बाद ज़मींदार साहब को देता है। लाओ किशन ज़मीन का कागजात, ये लीजिए। ज़मींदार साहब चाय पीते पीते किशन से कहा, तुम्हें
हमें अपनी बेटी की शादी करवा देनी चाहिए। बहुत ही बड़ी, वह बहुत ही बड़ी हो गई है जी। जमींदार साहब उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। फिर इतना बोलने के बाद जमींदार साहब किशन के घर से जमीन के कागजात लेकर चले जाते हैं। जमींदार साहब की बात सुनकर किशन के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज पंडित जी के घर जाऊं, और उसने पंडित जी के घर जाने का फैसला किया। पंडित जी मुझे बेटी की शादी करना, इसलिए कुछ बात करना है आपसे। हाँ किशन, बोलो क्या बात है? मुझे अपनी बेटी की रिश्ता ढूंढना है, इसलिए आप लड़का बताइए। ठीक है, तुम मुझे 2 दिन का समय दो, हम तुम्हें अच्छा रिश्ता ढूंढ कर बता देंगे। 2 दिन के बाद पंडित जी किशन के घर पहुंचे। किशन बाबू हैं घर पर? जी पंडित जी, आइए पंडित जी घर पर पधारिए। मैंने आपकी बच्ची के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है, जो हमारे ही गांव के बगल में निवास करते हैं, उनके यहाँ। हम लड़के के पिताजी के नाम बताइए। लड़के के पिताजी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उसी गांव में मुखिया जी हैं, मुखिया जी के वो भतीजे लगते हैं। करनी है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारे घर उनको लेकर कब आए? किशन के बगल में खड़े विजय ने कहा, पंडित जी आप उन्हें कल ही लेकर आ जाइए। विजय ने बिल्कुल ठीक कहा, कल लेकर आइए आप। पंडित जी इतना सुनकर वहां से चले गए। कल सुबह विजय बेटा सारी मिठाइयां लेकर चला आया ना बाजार से। जी पिताजी। थोड़ी देर के बाद पंडित जी लड़के वाले लोगों को लेकर आ गए। लड़के वालों के यहाँ से मुखिया जी की माँ और लड़के की माँ और लड़का सिर्फ आए। आइए आपका स्वागत है, आओ बेटे। किशन ने सारी तैयारियाँ कर रखी थी, और फिर थोड़ी देर के बाद रीमा सभी के लिए चाय लेकर आती है। किशन जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माँ मेरी मोटरसाइकिल का तो बात करो। किशन जी मेरे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए, उसको दहेज में मोटरसाइकिल दे और 2 लाख रुपए। यह सुनते ही किशन असमंजस में पड़ गया, और उसके बगल में विजय खड़े ने बोला, माँ जी मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं आपके बेटे को मोटरसाइकिल और रुपए कमा कर दे दूंगा। ठीक है। फिर लेन देन की बात कर कर वहाँ से किशन ने सभी रिश्तेदारों को विदा किया। और पंडित जी से किशन ने पहले ही पूछ रखा था कि मुहूर्त कब का बढ़िया है, तो पंडित जी ने 15 दिन पहले 15 दिन बाद का मुहूर्त सबसे अच्छा बताया। 15 दिन बाद शादी के दिन जो विजय बेटे पंडित जी को बुला कर लाओ। जी पिताजी मैं तुरंत ही पंडित जी को बुला कर लाता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है, और पंडित जी लड़के को बुलाते हैं मंडप में। भगवान विष्णु ओम मंगलम तनो हरि ओम। लड़की को बुलाएं। बोलो। उसके बाद रीमा मंडप में आती है। वक्रतुंडम महाकार्य सर्वकोटि सुनेश्वरम शादी संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लेकर उन्होंने किशन ने अपनी बेटी को विदा किया। रीमा अपने ससुराल जाकर वहाँ 2-3 दिन तो बहुत ही खुश रहती है, लेकिन उसके बाद छोटी सी भी छोटी गलती पर उसकी सास बहुत ही जुल्म करती है। दहेज के लिए उसे मारती है, तो कभी कुछ के लिए उसे मारती है। एक बार की बात है, जब उसका पति उस घर आया। जी मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं चाहिए मुझे पानी। तेरे बाप ने तो दहेज नहीं दिया, तू पानी देगी? नहीं जी, मेरे भैया ने कहा ना 1 साल का समय दीजिए,
जमान लड़ाएगी मुझसे, जमान लड़ाएगी तुम। फिर वहां से रीमा की सास आकर अपने बेटे को बढ़ावा देती है और उसका बेटा रीमा की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। मम्मी छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं जी, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। फिर रीमा के पति ने रीमा को जान से मार डाला और उसकी सास ने। और जब रीमा के भैया और उसके पिताजी को पता चला तब वह अपने बेटी के ससुराल पहुंच गए। बेटी काहो मेरी बेटी को। रीमा के पिता वहां रोते रोते अपनी बेटी को बोलने लगे और उसके भाई की नज़र अपने बहन रीमा के गले पर पड़ी। पिताजी, रीमा के गले पे देखिए उंगलियों के निशान हैं। विजय, तुमने ठीक कहा, रीमा के गले पे उंगली का निशान है। यह सुनकर रीमा का पति वहां से भागने लगा। विजय ने उसे दौड़कर पकड़ा और उसकी माँ को पंचायत में लेकर गए। पंचायत में पहुंचने के बाद किशन ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी मेरे बेटी को मार डाला दहेज के चक्कर में। मैं इनसे बोले थे कि एक साल के समय दीजिए, फिर भी मेरी बेटी के बुरी तरीक़ा से मार डाला। मुखिया जी, तुम कहाँ से आए हो, तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम किशन है, मैं आपके भतीजे से अपना बेटी की शादी किए थे। मैं वही किशन हूँ जो आपके भतीजे से मैं अपनी बेटी की शादी किया था। इन्होंने गलती की है, लेकिन इसे अवश्य ही सजा देना है। चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरे चचेरे भाई हो, चाहे मेरे बेटा ही क्यों न हो, लेकिन अवश्य सजा देनी होगी। इन्हें भी चौराहे पे फांसी की सजा देनी जाती है और यही मेरा अटल फैसला है।